कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के सबसे खास माने जाने वाले कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नरेंद्र सलूजा मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नरेंद्र सलूजा ने कहा कि खालसा कॉलेज में हुए घटनाक्रम के बाद 84 दंगों का सच जो सामने आया है, उसके बाद मेरा मन व्यथित हुआ है। जिस धर्म में आस्था रखता हूँ, उस धर्म के मेरे लोगों की हत्या के आरोपियों के सच ने मेरी आंखें खोल दी। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने सलूजा को बीजेपी का एजेंट बताया है। कांग्रेस में प्रदेश मीडिया प्रभारी का पद संभाल रहे और पूर्व सीएम कमलनाथ के नजदीकी नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सलूजा मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सलूजा के भाजपा में आने को खास बनाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने सीएम हाउस में यह कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने खुद ही सदस्यता दिलाई। इस मौके पर नरेंद्र सलूजा ने कहा, इंदौर खालसा कॉलेज में हुए घटनाक्रम के बाद 84 दंगों का सच जो सामने आया है, उसके बाद मेरा मन व्यथित हुआ। उन्होंने कहा, जिस धर्म में मैं आस्था रखता हूँ, उस धर्म के मेरे लोगों की हत्या के आरोपियों के सच ने मेरी आंखें खोल दी। मैं ऐसे संगठन के साथ कार्य नहीं कर सकता। खालसा कॉलेज घटनाक्रम के बाद मैंने कांग्रेस की कोई पोस्ट नहीं की, न राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में शामिल हुआ हूं। बीजेपी जो जिम्मेदारी देगी उसे जी जान से निभाऊंगा। जो जनता के बीच में सहजता से उपलब्ध होते हैं, जो उनके वीडी शर्मा जी के संगठन की जो क्षमता है, अद्भुत क्षमता है, उससे प्रभावित हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहा हूं और यही मेरे पार्टी छोड़ने का कारण है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के साथ नहीं रह सकता जिसके ऊपर मेरे धर्म के लोगों का हत्या का आरोप हो। जिस प्रकार से ये किताब सामने आई अभी के गौतम कोल जो आयुक्त थे, पुलिस के आयुक्त थे, उनने स्वीकारा कि किस प्रकार वो संजय सूरी क्राइम रिपोर्टर थे, राक ऑफिसर की जो सिद्धू की किताब सामने आई कि कमलनाथ जी वहां मौजूद थे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं कभी भी राजनीति करना पसंद नहीं करूंगा। ऐसी राजनीति को, ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को मैं ठोकर मार के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया है। और पूरी उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस ईमानदारी से मैंने आगे पूर्व में राजनीति में काम किया है, उसी ईमानदारी के साथ आपके नेतृत्व में काम करता। वहीं नरेंद्र सलूजा के बीजेपी में जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा, नरेंद्र सलूजा ने डर के आगे घुटने टेक दिए हैं। सलूजा ने डर के चलते बीजेपी का दामन थामा है। 2 महीने पहले ग्वालियर में सलूजा पर क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की थी। पुलिस के बुलावे पर भी नहीं जा रहे थे वे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सभी विधायक कांग्रेस के साथ हैं। विधायक नहीं टूटे तो एक पदाधिकारी पर उन्होंने दांव लगाया। भाजपा हार को देखकर बौखलाहट में है और इस तरह के काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, कोई नई बात नहीं है। बार बार बीजेपी राजनीति के अंदर इस तरह की कृत्य करती रहती है, क्योंकि बीजेपी की खुद की जो छवि है वो तो खराब होती जा रही है, साख बची नहीं है। 2 महीने पहले नरेंद्र सलूजा जी के खिलाफ एक FIR दर्ज करी थी जो क्राइम ब्रांच है ग्वालियर का, उसने बार बार क्राइम ब्रांच तलब कर रहा था, नरेंद्र सलूजा जी जा नहीं रहे थे, शायद उनको डर लग रहा था। अब डर के आगे शायद उन्होंने घुटने टेक दिए होंगे और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने कोशिश करी थी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी विधायक को तोड़ने की, लेकिन हर विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। तो उन्होंने कहा है कि एक पदाधिकारी को ही साथ में लेके एक मैसेज दिया जाए, तो इस तरह के कोई मैसेज जनता के बीच में सफलता के लिए भाजपा के नहीं जाते हैं, बल्कि जितने इस तरह की कृत्य करती है बीजेपी उतनी ही नाकाम होती जाएगी। ये साफ प्रमाणित करता है कि भाजपा जो है वो अपनी हार को देख रही है और उसी की बौखलाहट में इस तरह के काम किए जा रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।